हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिश्काज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं हूँ इस टाइम पे मेरे छत पे, और यहाँ पे मैंने अपने इसके पहले वाले व्लॉग को एंड किया है, और यहीं से मैं ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं आई थी छत पे थोड़ा सा धूप लेने के लिए, और मैंने बाहर के गेट नहीं खोले, मैं सीधे छत पे आ गई, और मैंने देखा कि भाई बहुत तेज़ी से कोहरा हुआ है, ठंड इतनी ज़्यादा है, मेरा चेहरा देखिए पूरा लाल होने को हो गया है। मतलब बहुत ठंड है और मुझे ऑलरेडी बहुत कोल्ड है, लेकिन मैंने कहा चलो, मेरे पास एक वीडियो था, ब्लॉग था मतलब, जिसमें छोटी छोटी क्लिप थी, तो मैंने सोचा इसको उसको स्टार्ट और एंड कर देते हैं यहीं पे छत पे ही। तो मैंने वो किया, और उसके बाद मैंने सोचा ये वाला ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। हस्बैंड गए हैं तो वो मुझे चाय पिला के चले गए थे, और मैंने एक बार चाय गर्म करके भी पी ली थी, क्योंकि वो चाय बना के जाते हैं ना, तो एक कप चाय मुझे दे के जाते हैं और एक कप चाय रख के चले जाते हैं। मैंने चाय पी, और उसके बाद मैं मतलब ब्रश किया, चाय पी, और फिर उसके बाद फिर मैंने एक कप और चाय पी, और मैं सीधे छत पे आ गई। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना कोहरा है, वरना मैं चाय यहीं ले आती, वो ज़्यादा और अच्छा लगता, बिल्कुल मनाली जैसा फील होता, बिकॉज़ ठंड तो बिल्कुल वैसी वाली है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और अगेन मैं चाय बनाऊंगी। अभी आप लोग कहेंगे कितना चाय चाय करती, एक्चुअली में क्या है ना, मुझे चाय वैसे तो बहुत ही पसंद है, लेकिन पसंद के साथ साथ ये है कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि लगता है दो घूंट चाय पी लूँ, बट पी लूँ तो ये सिर्फ वो कनेक्ट कर पाएंगे, वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे जो चाय लवर होंगे मेरे जैसे। बाकी लोग तो कहेंगे अरे ये चाय चाय करती रहती है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे चाय लवर हो तो आपको समझ में आएगा कि चाय इतनी प्यारी क्यों होती है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हमारी सुबह की चाय से, और मिलते हैं थोड़ी देर में, आप लोगों से करेंगे ढेर सारी बातें, और आज का व्लॉग इसी तरीके से करते हैं। आफ्टरनून गाइस, तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, और मैं आई हूँ मेरे छत पे, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है। सुबह में जब मैं आई थी कितना ज़्यादा कोहरा था, आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन अभी धूप निकल के आई है, और धूप सेकना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से मुझे, बिकॉज़ मेरा जो सर है ना, वो इतना ज़्यादा पेन होता है, मतलब ठंड से शायद होता होगा, बट बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत एक्सट्रीमली वाला पेन जो होता है वो मुझे होता है, मतलब एक तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, एडिक्ट टाइप की हो रही है, आई डोंट नो क्यों। एंड आज है 31 दिसंबर, और मैं अभी छत पे हूँ, चेहरा देखो कैसा आ रहा है धूप की वजह से। अच्छा, अभी क्या है ना कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि मैंने अभी ऑयलिंग बहुत दिन से नहीं की, ठंड इतनी ज़्यादा है, और मैं ऑयलिंग करके फिर कुछ दिन सर्वर ना धोऊँ तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे बाल बड़े चिपचिपे से लगने लग जाते हैं, और इसकी वजह से मैं ऑयलिंग जब करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ मैं आज हेड वॉश करूँगी, एक दो दिन पहले से नहीं धोती हूँ सर, क्योंकि एक दो दिन पहले से सर धोने से बस एक ही चीज़ होती है मेरे साथ कि मुझे फिर मैं रह जाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ हेड वॉश, लेकिन आज मैं 100% करूँगी, आज संडे है। एंड कैसा गया ये साल आप लोगों का, मुझे नहीं आइडिया है, तो प्लीज़ आप लोग बताना कमेंट में कि ये साल आपका अच्छा था कि बुरा। अगर मैं बोलूँ तो मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, मैं खोने को ये भी बोल सकती हूँ कि जो मेरी लाइफ में मेरे लिए सही नहीं था शायद मैंने वो खोया है, और जो पाया है वो ये है कि जो मेरे लिए सही था वो भगवान ने मुझे दिया है। मैं मतलब इस चीज़ में मैं नहीं रोना धोना करती कि भाई मुझे इस साल ये मिला नहीं मिला, मैं ये सोचती हूँ मेरे लिए जो सही था वो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, और अगर दिया है तो फिर मैं उसमें खुश कैसे ना हूँ, है ना। और ये साल मेरा बहुत अच्छा गया, पता नहीं चला कैसे निकल गया, और सब कुछ अच्छा था। चलो ज़्यादा इस साल के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो नया साल आएगा उसके बारे में है कि भाई अच्छा आए, सबकी ज़िंदगी में अच्छा आए, कुछ जो हमारे लिए बेटर हो भगवान हमारे लिए वही दे, हमें वही दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो गाइज़, आप सभी को पता है विंटर टाइम चल रहा है, और विंटर टाइम में अगर आपके जो बाल हैं वो ड्राई रफ और मतलब
झड़ नहीं रहे ना, तो आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि मेरे तो हर साल विंटर में जो बाल होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा झड़ते हैं, इतने ज़्यादा ड्राई होते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि विंटर ख़त्म होते होते तक ना मेरे बाल ही, मैं टकली ना हो जाऊँ कहीं। और ये बात सच है, क्योंकि मुझे सच में मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और अभी मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैं बता दूँ कि मैंने अभी 3-4 ऑयल मंगवाए थे, 3-4 ऑयल कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे, एक ऑफलाइन, इंदुलेखा मैं ऑफलाइन लेके आई थी, क्योंकि मुझे लगा शायद इससे मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। बट मैं बताऊँ, इसका शैम्पू इतना ख़राब है, मैं किसी किसी सिंगल पर्सन को भी रिकमेंड नहीं कर सकती कि इसका शैम्पू यूज़ करना। ऑयल तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अभी नहीं बोल सकती कि कैसा है, बिकॉज़ जब मैं ऑयल कोई भी नया ट्राई करती हूँ ना, तो 2-3 बार जब यूज़ करती हूँ तब तो मुझे लगता है शायद इससे मेरे बाल रुक रहे हैं, झड़ नहीं रहे। लेकिन फिर जब मैं कंटिन्यू से यूज़ कर रही हूँ, मुझे लग रहा है उसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे ही इसके साथ भी मेरा हो रहा है, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी शैम्पू से तो मेरे बाल इतने ड्राई हो गए थे, इतने ड्राई कि चोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड अगर किसी को नॉलेज है कि विंटर्स में अगर आपके बाल मतलब बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं कोई प्रो नहीं हूँ इन चीज़ों में, मुझे भाई इस चीज़ की नॉलेज है, मैं प्रोडक्ट अलग अलग यूज़ करती रहती हूँ, अगर मेरी किसी चीज़ से अच्छा इफेक्ट पड़ता है तो मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाय गाइस, सो ये ब्लॉग जो है 31st से मैंने स्टार्ट किया था, एंड आज है 2nd जनवरी। कल मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, परसों मैंने कंटिन्यू भी नहीं किया, और रीज़न सिर्फ इतना सा था कि मैं बिज़ी हो गई थी। आपको पता है मैंने ऑयलिंग की थी, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे मैं वहीं छत पे थोड़ा सा लेट गई थी, फिर उसके बाद मैंने नहाया वगैरह, क्योंकि 1 घंटे बाद ही मैंने शैम्पू किया था। नहाने के बाद एक होता ना कि हल्की हल्की सर्दी लगने लगी कि, और मैं थोड़ा सा आराम करने लग गई, और आराम करते करते सो भी गई, क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है, रजाई में आप लेटोगे तो फिर आपको नींद अपने आप आ जाएगी, तो मुझे भी आ गई थी, मैं सो गई, क्योंकि आपको पता ही मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उसके बाद अभी कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि क्या कितने जल्दी उठ जाती हूँ, मैं 6:30 बजे आराम से उठ जाती हूँ, 6:30 मेरे लिए जल्दी, बिकॉज मैं पहले 7 बजे उठती थी, फिर जब ठंडियाँ स्टार्ट हुई तो मैं 7:30 बजे उठने लगी थी, तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा जल्दी हो जाता है कि मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ। तो नींद आ गई, मैं सो गई, फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, तो इन्होंने बोला रहने दो मैं ले आऊँगा, तो ये फिर मतलब बाहर से खाना लाया जो कि बहुत टेस्टी यमी फूड था, तो 31st कुछ ऐसा था। लेकिन उसी बीच में हमारा हल्का सा झगड़ा हुआ, और उसकी वजह से ये गए, और ये झगड़ा हुआ तो हम मुंह बना के सो गए। अगर हम बात करते रहते तो 12 कब बज जाते और हमें पता भी नहीं चलता, और हम एक दूसरे को विश भी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम सो गए थे, हम नहीं सो गए थे, ये सो गए थे। बट मैंने इनको फिर उस टाइम पे उठा के विश नहीं किया था, लेकिन मैंने इनको एक ऐसा बड़ा स्वीट सा मैसेज किया, और जो बात थी, जो हमारे बीच की बात थी, जो हमें एक्सप्लेन करनी थी इनको, हमने वो एक्सप्लेन की कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टूड हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम दोनों की सोच थोड़ी अलग है, हम दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन एक होता ना कि दो अलग अलग थिंकिंग के व्यक्ति जब रहते तो झगड़े होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम अपनी गलतियां भी मान लेते हैं, अगर कभी वो मान लेते हैं, और जब एक दिन से बात ज़्यादा खिंच जाती है तो फिर मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, सॉरी एक दिन से नहीं, सॉरी एक टाइम से, बिकॉज हमारे साथ ऐसा है कि हम जब लड़ते हैं उसके 1/2 घंटे बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता क्या रही थी, हाँ फिर 1st को हम बड़ी बहुत प्यारी मॉर्निंग हुई थी, क्योंकि हमने इनको समझा दिया था कि आई डोंट वांट कि मैं सुबह ऐसे उठूँ कि भाई हमारे बीच में आर्ग्यू हो, या हम एक दूसरे से मुंह बना के सुबह बहुत अच्छी शुरुआत करना चाहते, जो कि उन्हें हस्बैंड ने की भी, मुझे चाय बना के पिलाई, मेरे लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने वो मेरे लिए किया, और फिर उसके बाद हमारी सुबह की अच्छी शुरुआत थी। रोजेस भी दिए थे जो कि मैं आपको दिखाना ही भूल गई, जो कि फ्रिज में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सुबह बहुत अच्छा गया, फिर उसके बाद हमें छतरपुर के लिए आना था, तो उसके लिए हमें शॉपिंग करनी थी, तो कल हमारा पूरा दिन शॉपिंग में निकला, लेकिन मार्केट में भी भाई बहुत भीड़ थी, और मैं अपना फ़ोन थोड़ा सा रिजर्व होके चलाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से मोबाइल बहुत ज़्यादा छूटता है, और भीड़ की तरह देख के फिर मैंने नहीं मोबाइल को उठाया, मैंने कहा भाई गिर गया ना हाथ से अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, मैं 2024 में ये नहीं चाहती कि मेरे दिन की शुरुआत ऐसी हो कुछ नुकसान हो, क्योंकि मैं नुकसान
वाली चीज़ को नहीं करती हूँ। सो फिर कल मैंने आईब्रोज भी करवाई थी मिशिका के लिए शॉपिंग, उनके पापा के लिए भी शॉपिंग की, मंथ्स के लिए शॉपिंग की, मेरे लिए शॉपिंग ऑलरेडी हो गई थी मैयर जाने से पहले, बिकॉज मेरी एनिवर्सरी थी तो मैंने सब कुछ ले लिया था जो मुझे चाहिए था, तो मैंने मेरे लिए कुछ नहीं लिया। मम्मी के लिए और दीदी के लिए कंगन लिए, क्योंकि एज अ गिफ्ट मैं उनको बहुत कुछ तो नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं जब जाती हूँ तो कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाती हूँ। मैं दिखाऊंगी नहीं, सॉरी, बिकॉज मैं अपनी गिफ्ट्स ज़्यादा नहीं दिखाती। और दीदी ने जो कुछ बोला था कि मेकअप वेकअप का सामान ले आना, क्योंकि मुझे यही बोला जाता है, दीदी को रहता है कि तुम्हें आइडिया भी रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और मेरे स्किन पे कैसे जाएगा, क्या वर्क करेगा, क्योंकि उनकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन टू ऑयली है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, तो वो सब मैंने पैक कर लिया है और मैं लेके जा रही हूँ। तो बस ऐसा कुछ हमारा कल का दिन था, लेकिन शॉपिंग में ज़्यादा गया। और शाम को भी मेरे हस्बैंड ने बहुत ही यम्मी सैंडविच बना के हम लोगों को खिलाए, क्योंकि पापा हमारे जा चुके थे, पापा गए हैं पहले सागर जाएंगे, और जाएंगे नहीं मतलब चले गए हैं, और वहां से फिर निकल जाएंगे वो कहाँ बाबू, रीवा। सो इस वजह से वो वहाँ निकल गए थे, तो बाबू ने फिर सैंडविच मुझे हम लोगों को बना के खिलाया, हमने वो खाया। और कल वैशाली के भी चांद तारे दिखाए गए थे, जिसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया बिकॉज बहुत सिंपल तरीके से उसके चांद तारे दिखाए गए थे, साथ में लाइटिंग का इशू था तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया। तो हमारा कल का दिन कुछ ऐसा गया, मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में पका दिया होगा मुझे पता है, लेकिन अभी मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि मुझे था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैं इतना बिजी इसीलिए थी, और जब मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। अभी भी आप देखो ना, मैं सुबह से बैग वैग पैक कर रही थी, मैं चाहती हूँ सारा ब्लॉग रिकॉर्ड करती कि मैं ऐसे तैयार हो रही हूँ, मैंने ये पहना, मैंने ऐसे मेकअप किया, बट मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, फिर मैं सोचूँ कि मैं ब्लॉग भी करूँ, नहीं हो पाता है। और हाँ, कल मेरा ये वाला जो मंगलसूत्र है ना, ये भी टूट गया था, मतलब यहाँ से एक लड़ टूट गई थी तो मैंने इसको बनवाया। और ये चीज कैसी है कमेंट करके बताइए। ओके, और मिशिका के लिए मैंने एक मोतियों की माला भी बनवाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका गला ऐसे खाली ना रहे, उसके गले में कुछ ना कुछ डला रहे, तो उसके लिए बहुत सुंदर सी माला बनाई थी। मैं दिखाती हूँ, पहले मंस को देख लो। इतना बुरा मुंह इसलिए बनाए क्योंकि मैंने मना कर दिया कि फोन नहीं चलेगा। से हाय, हाय तो बोलो। देखो ये वाली चेन जो है, वो सॉरी, ये वाली जो माला है ये मैंने मिशिका के लिए मोतियों की बनवाई थी, ये समथिंग 200 मोतियों की बनी थी, और पर मोती पर मतलब ₹1 एक मोती का था, तो इस वजह से ये इस तरीके की मैंने इसको माला डलवाई है। और ये हमारी मिशिका का आउटफिट है रेड कलर का, बिकॉज नियर आज सेलिब्रेट होगा मैडम का, सब कुछ नया नया पहना है मिशिका की, आउटफिट भी न्यू है, सेंटा क्लॉज तो नहीं लग रही हो, मिशिका की आउटफिट न्यू है, उसके शूज न्यू है, सब कुछ न्यू है, सेम मंस का भी है, मंस का भी सब कुछ न्यू है। हस्बैंड हाय, तो आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको, आप अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं? वैसे लगता है जब दमो आते हैं। मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे अपनी बुआ के पास सोने में मजा आता है। अच्छा, चलो चपूतर निकलने वाला था, क्योंकि मिशिका बोलती थी ना छतरपुर पहुंच चुके, हाँ छतरपुर पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं आप कि हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई है, क्योंकि टाइम देखिए आप, ठीक है, हम लोग निकले थे कितने 3:30 बजे और ये टाइम हो गया है, घर पहुंचते पहुंचते और टाइम लग जाएगा क्योंकि 10-15 मिनट और लगेंगे। सो पहुंच चुके हैं, अब पहुंचते हैं घर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मुझे बाकी सब ज्यादा डिजर्विंग लगते हैं इस घर में रहने के। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और रात हो चुकी है, हम शाम को पहुंच चुके थे चाय वगैरह पीने के बाद,
हमने बनाया, मतलब मैंने और दीदी ने मिलके बनाया खाना, और खाने में बनाई है पनीर की सब्जी और रोटी और पापड़। अगर खाना है तो पापड़ ऑप्शनल है, मन करे तो सेक के खा लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग फ्राइज से ज्यादा ना सिके हुए पापड़ पसंद करते हैं। और एक चीज दिखाऊं जो मुझे अच्छी लगी, अभी अभी देखी मैंने, इतना प्यारा लग रहा है ये, हमारी प्यारी प्यारी फिश है, और ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। मंश कौन खाना खिला रहा है? कौन खिला रहा है बिट्टू को खाना? कौन सी बुआ है ये? कौन? ठीक है खा, अच्छा बना, नमक ठीक था, हमें नहीं लगता नमक ठीक था, हम लोग कमी खाते ना अब तो कमी छूटता है नमक। पंगज जी और बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए बाकी हैं मैं, मम्मी और बाबू, सो हम तीनों साथ में मिलके खाना खा लेंगे। अभी तो खैर भूख नहीं लगी है, थोड़ा टाइम है, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। और अभी तो बिग बॉस देख रहे हैं हम, क्योंकि बिग बॉस हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा देखते हैं, जब भी टाइम मिलता है तभी देख लेते हैं, अभी टाइम है तो अभी देख रहे हैं, नहीं होता है तो नहीं देखते हैं। तो अभी फ्री बैठे थे और ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से टीवी देख रहे हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। सो गाइस हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, बाबू बिग बॉस देख रहे थे और मैं भी बिग बॉस ही देख रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, खाना पीना से फ्री हो गई थी, तो इस वजह से। और ये थोड़ा एक्टिव करके भी दिखा रहे हैं आपको कि ठंड इतनी ज़्यादा है, और हम ये वाला एपिसोड देखना भूल गए थे, इस वजह से हम भूल ही गए थे, मतलब देख नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिला था, तो जब टाइम मिला तब देखा। एंड यहाँ पे मैं मम्मी को तेल डाल रही हूँ बालों में, क्योंकि मैं उनके बाल देख रही थी खुले थे, मैंने कहा चलो जब आप अभी रात में तेल डाल लें, क्योंकि मुझे रहता मैं मिशिका के बाल में तेल डालने जा रही थी, तो मैंने मम्मी से बोला लाओ मैं भी आपके बालों में तेल डाल दूँ, बोली डाल दो भाई डाल दो। तो मैं यहाँ पे उनके बालों में अच्छे से तेल डाल रही हूँ, और मम्मी बहुत पहले साथ, मतलब मेरी शादी के पहले भी बहुत अच्छे बाल थे, वो बीच में उन्होंने अच्छी कटिंग वगैरह करवाई, तो उस वजह से उनके बाल बहुत छोटे हो गए, एंड अब तो झड़ने भी बहुत ज़्यादा लगते, विंटर्स में सभी के बाल झड़ते हैं, मुझे लगता है सिर्फ मेरे झड़ते हैं नहीं, सबके बाल झड़ते हैं। बस हेयर ऑयलिंग के बाद मैंने अच्छे से हाथ वगैरह धो के खाना गर्म किया, और मम्मी ने खाना ऑलरेडी खा लिया था, हम दोनों ही रह गए थे, तो मम्मी बोली तुम दोनों भी खाना खा लो। तो यहाँ पे हम लोग वही बिग बॉस के एपिसोड देखते देखते खाना खा रहे थे, साथ में मम्मी भी देख रही थी। तो हमारा मैं अभी यहाँ आ गई हूँ, अब देखते हैं कल मैं क्या करती हूँ। आज का दिन तो कुछ ऐसा ही रहा, आपने देख ही लिया है, स्टार्टिंग में पैकिंग वगैरह करती रही, तैयार वैयार होके वहाँ से यहाँ निकली, और यहाँ पहुँच के खाना पीना बना के अब यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग से काफ़ी चिटचैटी हो गया ब्लॉग, बिकॉज मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैंने वो सारी बातें आप लोगों के साथ इकट्ठी ही कर डाली, लेकिन कल एक अच्छे से कंटेंट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी आप लोगों से बातें की, क्योंकि आजकल मैं बातें कम कर पाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।